मॉर्निंग एंड वेलकम टू माई चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कुछ फैशंस की, और हम बात करने वाले हैं कि हम गर्ल्स को किस चीज़ का सबसे ज़्यादा क्रेज़ होता है। शॉपिंग का तो ऑलमोस्ट सबको होता है, और कुछ गर्ल्स को क्रेज़ होता है हेयर का, मेकअप का और न्यू ड्रेसेस का। और एक चीज़ हम गर्ल्स में जो सबसे ज़्यादा कॉमन भी कह सकते हैं और हम गर्ल्स को बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है, वो होता है नेल्स का। हम सबको अच्छा लगता है कि हमारे नेल्स थोड़े से बड़े हों, हम उन पे अच्छे से नेल पॉलिश लगाकर थोड़ा एक अच्छा फील होता है नेल्स अगर अच्छे होते हैं तो। लेकिन ये प्रॉब्लम होती है कि हर किसी के नेल्स नहीं बड़े होते हैं, हर किसी के नेल्स बहुत अच्छे ग्रो नहीं करते हैं, ठीक है। और मोस्टली जब हम घर में होते हैं, घर में काम करते हैं, तो नेल्स क्या होता है, जब पानी का हम काम ज़्यादा करते हैं और चीज़ें ज़्यादा करते हैं तो हमारे नेल्स वीक होकर बहुत जल्दी ब्रेक होने लगते हैं, टूट जाते हैं। तो उसके लिए आज मैं आपको एक सोल्यूशन बताऊंगी। जैसे कि ये मार्केट में आप ये देखेंगे, ये कुछ नेल्स मिलते हैं, ये आप इसको नेल पेस्ट करने के लिए है कि आप इससे नेल चिपक जाएंगे आपके नेल्स पे। जैसे आप देख सकते हो कि मेरे ये नेल्स बहुत छोटे हैं, मतलब ये टूट जाते हैं, एक्चुअली छोटे भी नहीं, मतलब थोड़ा ग्रो करते हैं तो ये टूटने लगते हैं, ब्रेक होने लगते हैं, वीक हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। कुछ होम रेमेडीज़ वैसे होती हैं इनको, नेल्स को हेल्प करती हैं थोड़ा ग्रो करने में, थोड़ा स्ट्रांग होने में। इसको मैं, ये मेरे पास बहुत टाइम से रखा है और अभी तक मैं इसको यूज़ नहीं कर पाई हूँ। रीज़न बीइंग कि मुझे लगता है कि अगर मैं इसको पेस्ट करती हूँ तो ये कहीं छूट ना जाए, बहुत जल्दी पता लगा मैं बाहर निकली और रास्ते में एक इधर गिर गया, एक उधर गिर गया। मेनली मैं इसीलिए अब तक इसको कभी खोला नहीं है, काफ़ी टाइम से ही मेरे पास रखा। तो मुझे इसका एक सोल्यूशन मिला, मेरी एक फ्रेंड है वो करती है नेल एक्सटेंशन, उसको एक्चुअली बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। तो मैं उसके पास आज जाने वाली हूँ नेल एक्सटेंशन कराने, और नेल एक्सटेंशन करा के मुझे लगता है कि जब मैं अपने भाई को राखी बांधूँगी तो बहुत अच्छा लगेगा ना। दोनों हैंड्स पे तो मैं नहीं करा पाऊँगी क्योंकि क्योंकि मुझे बहुत सारा काम होता है, फिर बच्चों के साथ थोड़ा सा केयरफुल रहना ज़रूरी है। तो मैं आज नेल एक्सटेंशन कराने वाली हूँ और आपको उसके बाद उसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ। अब मैं पहुंच चुकी हूँ अपनी फ्रेंड के यहाँ और मेरा जो नेल एक्सटेंशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया है। बहुत टाइम लगता है इसमें, लेकिन देखिए अब शेपिंग हो गई है, अब अच्छे से जो उसको करना था। फिर मैंने ये रेड कलर का नेल पेंट लगवाने का मेरा मन था, मैंने रेड नेल पेंट लगवाया और नेल्स देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, नाउ मेरे नेल्स हो चुके हैं, नेल एक्सटेंशन बहुत अच्छे से हुआ है और अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ अपने नेल्स कि नाउ हाउ दे आर लुकिंग। See this red color, how beautiful my hand is looking now. See, now my nails are looking fabulous, just see. अभी she told me कि अभी 15 days तक तो रहेंगे, अब आगे मुझ पर depend करता है कि मैं इनकी कैसे केयर करती हूँ उनके साथ। ज़्यादा मुझे इनको, जैसे हम नेल्स को कई बार ऐसे ऐसे करते हैं, वो नहीं करना मुझे, और मुझको नेल से कैसी हम कोई चीज़ को ऐसे ऐसे कोई मतलब किसी चीज़ को खोलते हैं या कुछ करते हैं तो वो सब नहीं करना है मुझे। सिर्फ इसमें मुझे ध्यान देना है कि मैं थोड़ी सी केयर रखनी है, बाकी पानी में डाल सकती हूँ, काम कर सकती हूँ, खाना बना सकती हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है। तो माय सजेशन टू दोज पीपल जिनका नेल्स नहीं अच्छे हो पाते, ग्रो नहीं कर पाते, काम में टूट जाते हैं या कुछ भी होता है, तो वो नेल एक्सटेंशन ले सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ मुझे पता लगी है कि नेल एक्सटेंशन है, इसको जेल नेल एक्सटेंशन बोलते हैं, और आप इसको ना एफिनिटी में ट्राई कर सकते हो। एफिनिटी में आई थिंक है ये। नाउ एवरीथिंग इज़ मैचिंग एंड लुक्स ब्यूटिफुल। आई एम जस्ट फॉलिंग इन लव विद माई नेल्स नाउ। तरीके से मेरे नेल्स जो बिल्कुल ग्रो नहीं कर रहे थे, बीच बीच में टूट जाते हैं काम की वजह से, अब कितने अच्छे लग रहे हैं, है ना। और तो मुझे भी बहुत अच्छा फील हो रहा है अब, एंड सी आई एम सो हैप्पी विद दिस रिजल्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
और आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, और छोटी छोटी ऐसी टिप्स मैं आपको बाद में भी बताती रहूँगी, बाद में मैं आपके साथ अपनी एक्सपीरियंस शेयर करती रहूँगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ जल्द ही। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।